नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गुलगंज के राधा रमन स्टेडियम में बिजावर विधायक बबलू शुक्ला द्वारा दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल उन्होंने 8 स्थानों पर विधानसभा क्षेत्र में दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत शुक्रवार को गुलगंज में यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्रवासियों को मिलकर दशहरे की शुभकामनाएं दी गईं। विधायक राजेश बबलू शुक्ला द्वारा राधारमण स्टेडियम गुलगंज की बाउंड्री वॉल के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा करते हुए भूमि पूजन भी किया गया। समारोह में आए हुए ग्रामवासियों की इस दौरान विधायक द्वारा समस्याएं भी सुनी गईं। साथ ही साथ सुरुचि भोज में विधायक राजेश शुक्ला ने लोगों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। लगातार जनता के बीच में जाने का बहाना मिलता है, तो जनता के बीच में जा रहे हैं। आज 5 दिन रहे हैं, लगातार और चलेगा। 25 तारीख को जो समाप्ति होगी, और क्षेत्र की जनता जनार्दन से गले मिलकर तड़प लगाकर और उनके साथ भोजन में शामिल होकर दशहरा मिलन मना रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि पल पल की पूरे मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों से लगातार अपडेट बने रहें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और लगातार जुड़े रहें पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ। नमस्कार।